अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दिस इज़ मी उमैर खान फ्रॉम अल नुसरत मार्केटिंग एंड ट्रेडर्स। व्यूअर्स, इस टाइम मैं मौजूद हूँ अल कबीर टाउन फेस वन के अंदर, जहाँ पे एक 5 मरले का घर फॉर सेल दिया है। जैसा कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये वो मकान है जो फॉर सेल दिया गया है। 5 मरले का ये मकान है, बहुत ही बेहतरीन किस्म की इसकी कंस्ट्रक्शन हुई है, बहुत ही खूबसूरत किस्म का घर है ये। तो आइए व्यूअर्स, मैं आपको अभी इस घर का पूरा टूर करवाता हूँ। व्यूअर्स, अगर इस मकान की बात करें तो इस मकान के अंदर टोटल 3 बेड हैं, 2 किचन है, 1 TV लॉन्च है, 1 ड्राइंग रूम है और डबल स्टोरी ये मकान है। व्यूअर्स, अभी मैं आपको इस मकान के हर बेड, हर पोर्शन का एक एक करके टूर करवाऊंगा। व्यूअर्स, इस टाइम मैं इस मकान के कार पोर्च पे खड़ा हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये इस मकान का कार पोर्च है। यहाँ पे आप इजीली अपनी एक गाड़ी खड़ी कर सकते हैं। और अगर कार पोर्च की बात करें तो बहुत ही खूबसूरत किस्म का कार पोर्च बनाया गया है। कार पोर्च के साथ एक डिज़ाइन टाइप का यहाँ पे एक वॉल बनाया गया है, जहाँ पे SMD लाइट्स यूज़ करके खूबसूरत किस्म का आर्किटेक्चर लुक यहाँ पे दिया है। अगर इसकी सीलिंग की बात करें तो बहुत ही खूबसूरत किस्म की सीलिंग इसमें की गई है। सीलिंग के अंदर SMD लाइट्स का यूज़ हुआ है, साथ कार पोर्च के अंदर एक फ़ैन भी इंस्टॉल है। तो आइए व्यूअर्स, मैं आपको अभी इसके बाकी घर का भी टूर करवाता हूँ। तो गाइज, ये इस नीचे वाले पोर्शन का ड्राइंग रूम है। ड्राइंग रूम के साथ ही इसका TV लॉन्च है। और अगर नीचे वाले पोर्शन की बात करें तो ड्राइंग रूम के साथ TV लॉन्च के बिल्कुल सामने ही एक बेड है और उस बेड के साथ एक किचन बनाया गया है। तो व्यूअर्स, आप देख सकते हैं ये ड्राइंग रूम है, बहुत ही खूबसूरत किस्म का ड्राइंग रूम ये बनाया गया है। अगर ड्राइंग रूम की फ्रंट वॉल की बात करें तो खूबसूरत किस्म का 3D वॉलपेपर, एक लग्जरी वॉलपेपर इसमें इंस्टॉल है। इसके साथ साथ एक छोटा सा वुड वर्क के आर्किटेक्चर डिज़ाइन और खूबसूरत सा डिज़ाइन देके वहाँ पे लाइट्स का यूज़ करके एक खूबसूरत किस्म का आर्टिफिशियल लुक यहाँ पे दिया गया है। इसके बाद अगर इसकी सीलिंग की बात करें तो व्यूअर्स, सीलिंग बहुत ही बेहतरीन किस्म की सीलिंग की गई है। खूबसूरत किस्म का कलर कम्बिनेशन इसमें किया गया है और इसके साथ साथ SMD लाइट्स का भी यूज़ किया गया है। सीलिंग के अंदर से भी एक खूबसूरत किस्म की लाइटिंग की गई है। उसके बाद अगर मैं बताऊँ तो ड्राइंग रूम के अंदर एक बहुत बड़ा विंडो भी है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये इस ड्राइंग रूम का बहुत बड़ा विंडो है। यहाँ से आप वेंटिलेशन के लिए इसको यूज़ कर सकते हैं, इस विंडो को। अगर इसके बाद बात करें तो इस विंडो के अंदर एक बेहतरीन क्वालिटी का कर्टेन भी यूज़ किया गया है, जो कि एक इस ड्राइंग रूम को एक अच्छा सा लुक देता है। तो व्यूअर्स, अभी मैं आपको इसका TV लॉन्च का पोर्शन विजिट करवाऊंगा। ड्राइंग रूम के बिल्कुल साथ ही इसका TV लॉन्च है। जैसे कि आप देख सकते हैं व्यूअर्स, ये इस नीचे वाले पोर्शन का TV लॉन्च है। TV लॉन्च की बात करें तो बहुत खूबसूरत किस्म का नीट एंड क्लीन और बड़ा सा खुला डुला TV लॉन्च बनाया गया है। TV लॉन्च में एक ये मीडिया वॉल बनाई गई है। यहाँ पे आप इजीली अपनी LCD वगैरह यहाँ इंस्टॉल कर सकते हैं। इसके साथ साथ अगर लाइट्स की बात करें तो आर्टिफिशियल टाइप की लाइट्स यहाँ पे यूज़ की गई हैं। सीलिंग इसकी VIP किस्म की, बेहतरीन किस्म की सीलिंग की गई है। TV लॉन्च के अंदर एक फ़ैन इंस्टॉल है, फ़ैन के साथ सीलिंग में SMD लाइट्स का यूज़ हुआ है। उसके बाद अगर इसकी टाइल्स की बात करें तो हाई क्वालिटी के टाइल्स इसमें यूज़ किए गए हैं। व्यूअर्स, TV लॉन्च की बिल्कुल साथ ही इसका किचन है और किचन के साथ ही इसका बेड है। बेड के साथ छोटा सा पाउडर रूम भी बनाया गया है। तो आइए व्यूअर्स, सबसे पहले मैं आपको इसका किचन भी विजिट करवाता हूँ। तो व्यूअर्स, ये इसका किचन है। जैसा कि आप देख सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत किस्म का किचन ये बनाया गया है। किचन के अंदर अगर इसकी सीलिंग की बात करें तो बेहतरीन किस्म की सीलिंग इसमें की गई है। एक खूबसूरत किस्म का डिज़ाइन सीलिंग का दिया गया है। उसके साथ एक छोटा सा फ़ैन भी इंस्टॉल है और इसके साथ साथ सीलिंग में ही एक एग्जॉस्ट सिस्टम भी इंस्टॉल है, जो कि आप वेंटिलेशन के लिए आपको यूज़ करेगा और आपकी किचन को पोल्यूशन से बचाएगा। इसके साथ साथ अगर इसकी कबर्ड्स की बात करें तो खूबसूरत किस्म की कबर्ड्स बनाई गए हैं, जो इजी टू ओपन है। यहाँ पे आप अपने किचन का सारा सामान वगैरह यहाँ पे स्टोर कर सकते हैं। वुड, अगर कबर्ड्स की बात करें तो इसमें बेहतरीन किस्म का वुड इसमें यूज़ किया गया है। वुड के ऊपर एक प्रेस शीट के थ्रू ये वुड इसमें यूज़ किया गया है। अगर इसकी टाइल्स की बात करें तो किचन के अंदर जो उसके
सिंक है, इसमें बहुत वीआईपी किस्म की हाई क्वालिटी के टाइल्स में यूज़ किए गए हैं, और इस टाइल्स के नीचे भी एक अलग वार्ड रूम बनाया गया है जहाँ पे आप इजीली अपने बर्तन वगैरह, अपने किचन का सारा सामान यहाँ पे आप इजीली सेव कर सकते हैं। इसके साथ साथ एक चूल्हा भी यहाँ पे इंस्टॉल है, हाई क्वालिटी का डिजिटल टाइप का ये चूल्हा है। इसके साथ साथ एक डिजिटल एग्जॉस्ट सिस्टम भी यहाँ पे है जो आपकी किचन को पोल्यूशन से बचाएगा, और इस किचन के साथ ही एक छोटा सा विंडो है जो कि आप वेंटिलेशन के लिए इसको यूज़ कर सकते हैं, और यहाँ से आप फ्रेश एयर का मज़ा ले सकते हैं। किचन के साथ एक डोर दिया गया है, अगर आप इस डोर को ओपन करें तो इसके थ्रू आप यहाँ से इसकी बैल्कनी में पहुँचेंगे। व्यूअर्स, ये इसकी बैल्कनी है, इस बैल्कनी को आप एज आ वॉशिंग एरिया यूज़ कर सकते हैं। आप देख सकते हैं खूबसूरत किस्म का खुला डुला ये वॉशिंग एरिया बनाया गया है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि काफ़ी बड़ा वॉशिंग एरिया है ये, यहाँ पे आप अपने कपड़े वगैरह इजीली वॉश कर सकते हैं, और आप जितने भी बल्कि इस गैलरी को, इस बैल्कनी को आप बहुत अच्छी तरीके से यूज़ कर सकते हैं एज आ वॉशिंग एरिया। तो आइए व्यूअर्स, मैं अभी आपको इसका बेड भी विज़िट करवाता हूँ। व्यूअर्स, किचन के साथ ही इसका पहला बेड है, और उस बेड के साथ ही पाउडर रूम है। तो आइए गाइस, मैं आपको इसका बेड भी विजिट करवाता हूँ। व्यूअर्स, ये इस नीचे वाले पोर्शन का पहला बेड है। अगर आप बेड की बात करें तो खूबसूरत किस्म की कलर कम्बिनेशन इस बेड में आपको नज़र आएगी। अगर इसकी सीलिंग की बात करें तो पर्पल एंड वाइट कलर का एक टच दिया है, एक प्यारा सा कम्बिनेशन यहाँ पे दिया है। इस रूम में देखें तो एक बड़ा सा वाइट विंडो भी है जो कि वेंटिलेशन के लिए आप यूज़ कर सकते हैं, और यहाँ से फ्रेश एयर का मज़ा भी ले सकते हैं। इसके साथ ही इसमें कबर्ड्स भी इंस्टॉल है जहाँ पे आप अपने कपड़े वगैरह और तमाम आपकी क्लोथिंग से रिलेटेड आप तमाम अपना जो सामान है आप वहाँ पे यहाँ पे स्टोर कर सकते हैं। और अगर इस कबर्ड्स की बात करें तो हाई क्वालिटी के वुड इस कबर्ड में यूज़ की गई हैं, एक हाई क्वालिटी की और बेहतरीन किस्म की कंस्ट्रक्शन इंटीरियर में की गई है। इसके बाद अगर बात करें तो इसके साथ ही इसका अटैच वॉशरूम है। वॉशरूम से पहले अगर मैं आपको इसकी सीलिंग दिखाऊं तो बेहतरीन किस्म की इसकी सीलिंग हुई हुई है। सीलिंग में एक फ़ैन भी इंस्टॉल है, पर्पल एंड वाइट कलर का एक कलर कम्बिनेशन इसमें दिया गया है। इसके साथ SMD लाइट्स का भी यूज़ किया गया है। इसके बाद अगर इसके साइड वॉल की बात करें तो यहाँ भी एक छोटा सा डेकोरेशन पीस टाइप का इस वॉल में बनाया गया है जहाँ पे एक वुड का और एक SMD लाइट्स की कम्बिनेशन के साथ एक खूबसूरत किस्म का टच यहाँ भी दिया है। अगर इसकी फ्रंट वॉल की बात करें तो व्यूअर्स, फ्रंट वॉल में भी एक बेहतरीन किस्म का लुक दिया गया है। यहाँ पे एक 3D वॉलपेपर इंस्टॉल है, 3D वॉलपेपर के साथ इसके ऊपर वुड वर्क करके SMD लाइट्स भी यूज़ की गई है। खूबसूरत किस्म का टच ही आपके रूम को दे रहा है, और बेहतरीन किस्म की इसकी कलर कम्बिनेशन है। इसके साथ साथ बिल्कुल इसका अटैच वॉशरूम है। अगर व्यूअर्स, इसकी अगर वॉशरूम की बात करें तो VIP किस्म का वॉशरूम ये बनाया गया है। अगर टाइल्स की बात करें, हाई क्वालिटी के टाइल्स और एक डिज़ाइन टाइप का लुक दिया गया है, एक इंग्लिश लुक दिया गया है। अगर इसकी सिंक की बात करें तो VIP किस्म का सिंक इसमें बनाया गया है। सिंक के साथ ही नीचे कबर्ड्स बनाए गए हैं जहाँ पे आप इजीली अपने वॉशरूम का जितना भी सामान है, अपने कॉस्मेटिक्स वगैरह आप यहाँ पे स्टोर कर सकते हैं। इसके साथ साथ एक खूबसूरत सा सर्कल शेप में एक यहाँ पे मिरर दिया गया है, खूबसूरत किस्म का और हाई क्वालिटी का ये मिरर है। मिरर के साथ ही ऊपर लाइट्स भी है जो कि आप इजीली इस मिरर को आप यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ एक इंग्लिश टॉयलेट इसमें स्टॉल है, शावर वगैरह इसमें लगे हुए हैं। इसकी अगर टाइल्स की बात करें तो बेहतरीन किस्म के टाइल हैं, और अगर इसकी सीलिंग की बात करें तो व्यूअर्स, खूबसूरत किस्म की सीलिंग इसमें बनाई गई है, अच्छा SMD लाइट्स का अच्छा टच दिया है। इसके साथ साथ इसका जो एग्जॉस्ट सिस्टम है वो इसकी सीलिंग के अंदर ही इंस्टॉल है, डिजिटल टाइप का, डिजिटल किस्म का ये एग्जॉस्ट सिस्टम इसमें इंस्टॉल है। इसके साथ साथ एक खूबसूरत सा स्टाइलिश विंडो भी यहाँ पे है जो कि आप वेंटिलेशन के लिए इसको यूज़ कर सकते हैं। तो आइए व्यूअर्स, अभी मैं आपको इस घर के बाकी पोर्शन का भी विजिट करवाता हूँ। व्यूअर्स, जब आप इस बेड से बाहर निकलेंगे तो इस बेड के बिल्कुल लेफ्ट साइड पे इसका पाउडर रूम है, आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं। पाउडर रूम की बात करें तो खूबसूरत किस्म का पाउडर रूम ये बनाया गया है। पाउडर रूम में अगर टाइल्स की बात करें तो ब्लैक एंड वाइट कलर का टच कलर कम्बिनेशन इसमें है, आप देख सकते हैं। VIP किस्म का टाइलिंग इसमें की गई है, और VIP किस्म का ये साफ़ सुथरा खुला डुला पाउडर रूम है। पाउडर रूम के अंदर भी एक एग्जॉस्ट सिस्टम इंस्टॉल है जो कि आप इजीली इसको यूज़ कर सकते हैं। छोटी सी लाइट्स इसमें, SMD लाइट्स, एक स्टाइलिश किस्म का ये पाउडर रूम बनाया गया, आप इसको इजीली यूज़ कर सकते हैं। काफ़ी खुला और हवादार ये पाउडर रूम है। तो आइए व्यूअर्स, मैं आपको अभी इसका ऊपर वाला पोर्शन भी विजिट करवाता हूँ।
गाइज इस टाइम मैं इस घर के ऊपर वाले पोर्शन में मौजूद हूँ। अगर ऊपर वाले पोर्शन की बात करें तो व्यूअर्स, ऊपर वाले पोर्शन में एक छोटा सा टीवी लॉन्च के साथ इसका एक बेड इधर है इंस्टॉल, और उसका जो दूसरा बेड है वो बिल्कुल इसके सामने है, और इन दो बेड के साथ एक खूबसूरत किस्म का किचन भी इंस्टॉल है। तो आइए व्यूअर्स, मैं आपको इसका पहला बेड विज़िट करवाता हूँ। तो व्यूअर्स, ये इसका बेड है, आप देख सकते हैं खूबसूरत किस्म का बेड बनाया गया है। इसमें भी एक बेहतरीन किस्म का कलर कम्बिनेशन दिया गया है। अगर इसकी टाइल की बात करें तो VIP किस्म के टाइल इसमें लगाए गए हैं, और बिल्कुल इस बेड के अंदर एक बहुत बड़ा सा विंडो भी इंस्टॉल है, जो कि आप इजीली अपनी वेंटिलेशन के लिए इसको यूज़ कर सकते हो। यहाँ से आप फ्रेश एयर का और सनलाइट का भी इंजॉय कर सकते हैं, सनलाइट को यहाँ से। व्यूअर्स, अगर इस विंडो की बात करें तो बहुत बड़ा विंडो है, यहाँ से आप फ्रेश एयर इजीली इंजॉय कर सकते हैं। इसके साथ ही इसका अटैच वॉशरूम है। अटैच वॉशरूम के बाद अगर मैं एक बताऊँ तो इसके साथ एक और छोटा सा विंडो है, जो कि डायरेक्ट एक छोटा सा बालकनी टाइप की यहाँ पे बनाई गई है। आप अपने बेड से इजीली इस बालकनी में आके फ्री टाइम में यहाँ पे चेयर टेबल्स लगा के यहाँ आप अपनी चाय कॉफ़ी भी इंजॉय कर सकते हैं। इसका जो दूसरा डोर है बिल्कुल फ्रंट पे, ये डायरेक्ट किचन को टच करता है। यहाँ से आप इजीली किचन में आप चाय वगैरह बना के यहाँ पे आप चेयर टेबल्स लगा के अपनी फैमिली के साथ फ्री टाइम में इस जगह को भी आप इंजॉय कर सकते हैं। तो एक बेहतरीन किस्म का ये डिज़ाइन है, अगर सोचा जाए तो एक खूबसूरत किस्म का मतलब आर्किटेक्चर कंस्ट्रक्शन इसमें हुई हुई है, जो कि फुली अपने कस्टमर को एक फ्री इन्वायरमेंट और एक खूबसूरत किस्म का लग्जरी इन्वायरमेंट इसमें प्रोवाइड किया गया है। अगर इसकी फ्रंट वॉल की बात करें तो इसमें VIP किस्म का 3D वॉलपेपर इसमें इंस्टॉल है। वॉलपेपर के साथ खूबसूरत किस्म के आर्टिफिशियल डिज़ाइनिंग के लाइट्स इसमें यूज़ है। इसके बाद अगर इसकी सीलिंग की बात करें तो खूबसूरत किस्म का सीलिंग है, इसमें एक लग्जरी और हाई क्वालिटी का फ़ैन भी इंस्टॉल है। अगर सीलिंग की बात करें तो रेड कलर और वाइट कलर का कम्बिनेशन इसमें दिया गया है, SMD लाइट्स इसमें यूज़ की गई हैं। व्यूअर्स, इसके बाद यहाँ पे एक और डोर भी है, जिसको खोल के आप यहाँ पे एक इसका छोटा सा वॉशिंग एरिया, आप इसको कह सकते हैं कि ये आपका वॉशिंग एरिया है। यहाँ पे आपको टैप्स वगैरह भी है, यहाँ पे आप इजीली अपना इसको वॉशिंग एरिया भी यूज़ कर सकते हैं। तो एक खूबसूरत किस्म का मिनी टेरेस यहाँ पे बनाया गया है। यहाँ पे इस टेरेस को भी आप इजीली इंजॉय कर सकते हैं। अगर इसके आप बिल्कुल फ्रंट पे देखें तो उसका फ्रंट एलिवेशन आता है, यहाँ से फ्रंट एलिवेशन का आपको व्यू मिलता है। बिल्कुल घर के सामने ही इसका मेन बॉलीवुड है, अलकबीर टाउन Phase 1 के मेन गेट से आप जो ही इंटर होते हैं तो सीधा आते ही मेन बॉलीवुड के ऊपर ही ये घर बनाया गया है। तो व्यूअर्स, आइए अभी मैं आपको इसका वॉशरूम भी विज़िट करवाता हूँ। व्यूअर्स, ये इस बेड का अटैच वॉशरूम है। अगर वॉशरूम की बात करें तो बहुत ही आला किस्म का ये वॉशरूम बनाया गया है। सबसे पहले मैं इसकी सीलिंग की बात करूँ तो खूबसूरत किस्म की सीलिंग डिज़ाइन की गई है, इसमें SMD लाइट्स का यूज़ किया गया है, और इसका जो एग्जॉस्ट सिस्टम है ये तमाम पूरे पोर्शन में पूरे मकान के अंदर एग्जॉस्ट सिस्टम जो है ये सीलिंग के अंदर ही इंस्टॉल है। उसके बाद अगर बताएं तो इस बेडरूम के जो कबर्ड्स हैं वो वॉशरूम के अंदर ही बनाए गए हैं। आप इजीली अपना वॉशरूम में आप इसको एज अ ड्रेसिंग एरिया भी यूज़ कर सकते हो इजीली, मतलब विदाउट एनी डिस्टर्बेंस आप अपनी ड्रेसिंग वगैरह आप अपने वॉशरूम में ही कर सकते हो। अपने क्लोथिंग से रिलेटेड आप तमाम सामान इसमें स्टोर कर सकते हो। इसके बाद अगर बताऊँ तो यहाँ पर खूबसूरत किस्म का मिरर भी दिया गया है, और खूबसूरत किस्म का लग्जरी टाइप का यहाँ पे सिंक बनाया गया है। और अगर इसकी टाइल्स की बात करें तो ब्लैक एंड वाइट किस्म की लग्जरी और अट्रैक्टिव किस्म के टाइल्स इसमें यूज़ हुए हैं। इसके बाद इसी वॉशरूम में एक बड़ा सा विंडो भी इंस्टॉल है, जो कि आप वेंटिलेशन के लिए इसको यूज़ कर सकते हैं। काफ़ी खुला डुला और हवादार वॉशरूम है ये, तो बेहतरीन किस्म का लुक आपको वॉशरूम भी दे सकता है। एक बेहतरीन किस्म की कंस्ट्रक्शन इसमें की गई है, और एक लग्जरी टाइप का फील आपको इस मकान में आएगा। तो आइए व्यूअर्स, अभी मैं आपको इस पोर्शन के बाकी बेड्स का भी विज़िट करवाता हूँ। गाइस, इस बेड के बिल्कुल सामने ही इसका दूसरा बेड है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि बहुत ही खूबसूरत किस्म का बेड बनाया गया है। इस घर का हर बेड जो है अलग डिफरेंट लुक, डिफरेंट डिज़ाइन, डिफरेंट कलर कम्बिनेशन उसमें यूज़ की गई है। अगर इसके डोर्स की बात करें तो हाई क्वालिटी का वुड इनके डोर्स में यूज़ किया गया है। VIP किस्म की कंस्ट्रक्शन इसमें हुई है। अगर इसकी
फ्रंट वॉल की बात करें तो बेहतरीन किस्म का 3D वॉलपेपर इसके अंदर इंस्टॉल है, लग्जरी टाइप का वॉलपेपर इसमें इंस्टॉल है और इसके फ्रंट वॉल में ही एक खूबसूरत किस्म की लाइट भी इसमें इंस्टॉल है। इसके बाद अगर इसकी सीलिंग की बात करें तो व्यूअर्स येलो एंड वाइट कलर का एक कलर कम्बिनेशन इसमें दिया है जो कि इस बेड की खूबसूरती को डबल कर रहा है। अगर इसकी खूबसूरती की बात करें तो व्यूअर्स बहुत ही खूबसूरत किस्म का कलर कम्बिनेशन इस बेड के अंदर है। असेंबली लाइट्स इसमें यूज़ हुई हैं। इसके बाद व्यूअर्स अगर मैं आपको बताऊं तो इस बेड के अंदर VIP किस्म का कर्टन भी लगाया गया है। अगर इस कर्टन के पीछे देखें तो एक बड़ा सा वाइड विंडो भी है जो कि आप इसको वेंटिलेशन के लिए और फ्रेश एयर के लिए यूज़ कर सकते हैं। व्यूअर्स इस विंडो से आपको अपने मकान का बैक साइड का पूरा आपको व्यू मिलता है। यहाँ से आप इजीली अपने मकान से अपनी सोसाइटी का अपनी घर के बैक साइड का विज़िट कर सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ से आपको सारा कुछ यहाँ से देखने को मिलता है। इसकी वॉशरूम की बात करें तो खूबसूरत किस्म का वॉशरूम डिज़ाइन किया गया है। अगर इसकी सिंक और इसके फ्रंट मिरर की बात करें तो खूबसूरत किस्म का मिरर और एक ब्राउनिश टाइप का कबर्ड इसमें इंस्टॉल है। VIP किस्म की कंस्ट्रक्शन और डिज़ाइनिंग इसमें की गई है। यहाँ पे आप इजीली अपनी कॉस्मेटिक्स वगैरह यहाँ पे स्टोर कर सकते हैं। इसके साथ साथ एक इंग्लिश टॉयलेट भी है। अगर टाइल्स की बात करें तो खूबसूरत किस्म का टाइल इसमें है। अगर इसकी सीलिंग की बात करें तो व्यूअर्स बेड के साथ ही सेम कलर कम्बिनेशन की सीलिंग वॉशरूम में भी है। येलो एंड वाइट कलर का खूबसूरत किस्म का डिजाइन इसकी सीलिंग में बनाया गया है जिसके साथ साथ SMD लाइट्स भी यूज की गई हैं व्यूअर्स। और इसके अगर फ्रंट पे देखें तो एक साइड पे एक स्टाइलिश किस्म का विंडो भी बनाया गया है जहां जो कि आप वेंटिलेशन के लिए इसको यूज कर सकते हैं। और इसके साथ साथ एक और एक खूबसूरत किस्म का डिजाइन एक वॉल में बनाया गया है जो कि आपके वॉशरूम को और मजीद खूबसूरत बनाता है। और साथ इसमें एक एग्जॉस्ट सिस्टम भी, एग्जॉस्ट फैन भी इसमें इंस्टॉल है। तो व्यूअर्स आइए मैं आपको अभी इसके पोर्शन का किचन भी विजिट करवाता हूँ। व्यूअर्स ये इस ऊपर वाले पोर्शन का किचन है। किचन की बात करें तो बहुत ही खूबसूरत किस्म की कलर कम्बिनेशन इस किचन में दी गई है। रेड एंड वाइट कलर का इसमें कलर कम्बिनेशन दिया है जो कि इसके बिल्कुल सीलिंग से मैच करता है। अगर इसकी कबर्ड्स की बात करें तो व्यूअर्स बहुत ही खूबसूरत किस्म की और हाई क्वालिटी के कबर्ड्स इसमें बनाए गए हैं जहाँ पर आप अपने किचन का सारा सामान इजीली यहाँ पे इंस्टॉल कर सकते हैं। इसके साथ साथ इसमें चूल्हा भी इंस्टॉल है और इस चूल्हे के साथ एक डिजिटल एग्जॉस्ट सिस्टम भी है। इसकी सिंक की बात करें तो खूबसूरत किस्म का सिंक बनाया गया है। इसमें टाइल, हाई क्वालिटी के टाइल इसमें यूज़ हुए हैं। इसके नीचे भी कबर्ड्स और वार्डरूम बनाया गया है जहाँ पर आप अपने किचन का एक्स्ट्रा सामान भी स्टोर कर सकते हैं। और इसके बिल्कुल सिंक के बिल्कुल सामने एक बड़ा सा वाइड विंडो है जहाँ से आपको एक मज़े की बात बताऊँ तो उस फ्रंट व्यू भी मिलता है और साथ साथ आपको वेंटिलेशन के लिए भी आप इस विंडो को यूज़ कर सकते हैं। इस विंडो के बाद अगर आपको मैं एक और इसकी मज़ेदार चीज़ बताऊँ तो इसी किचन के साथ एक डोर बनाया गया है जहाँ पर एक छोटी सी बैल्कनी टाइप की बनाई गई है जहाँ मतलब इस बैल्कनी को आप अपनी फैमिली के साथ इसको अच्छे इसमें सेंस में यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे आप चेयर टेबल और एक छोटा सा सेटअप बना के अपने किचन में एक्स्ट्रा टाइम या वीकेंड्स पे आप अपनी फैमिली के साथ यहाँ चाय कॉफ़ी वगैरह एंजॉय कर सकते हैं। किचन के साथ ही ये है, आप यहाँ पे बैठ के किचन में आप कुछ भी पकाना हो, आप जो आपको कोई भी यहाँ से कोई कुकिंग करनी हो या चाय वगैरह पीनी हो तो यहाँ से डायरेक्ट आपकी इस बैल्कनी में चाय सर्व होगी। यहाँ पे आप छोटा सा सेटअप लगा के यहाँ चेयर टेबल्स लगा के आप इस एरिया को एज फ्रेश एयर के साथ आप इस एरिया को इंजॉय कर सकते हैं। तो व्यूअर्स आइए अभी मैं आपको इसका टेरेस भी विज़िट करवाता हूँ। गाइस तो आइए अभी मैं आपको इसका टेरेस भी विज़िट करवाता हूँ। इन स्टेयर्स थ्रू आप इनके टेरेस में जाएंगे तो लेट्स गो। व्यूअर्स अभी मैं इस मकान के टेरेस पे हूँ। जो ही आप टेरेस पे आएंगे तो ये इसका हमटी है। हमटी के सामने बेहतरीन किस्म का डिज़ाइन देके यहाँ पे एक विंडो टाइप की बनाई गई है। इसके बिल्कुल राइट साइड पे यहाँ पे स्टोर रूम है। आप अपने घर का तमाम एक्स्ट्रा सामान वगैरह आप इस स्टोर रूम में सेव कर सकते हैं। तो व्यूअर्स आइए मैं आपको इसका टेरेस विज़िट करवाता हूँ। गाइस जब आप इसके टेरेस में आएंगे तो सबसे पहले आपको एक मज़ेदार व्यू मिलेगा। एक मज़ेदार व्यू ये है कि जो ही आप इसके टेरेस पे आते हैं तो बिल्कुल सामने ही आपको BNU यूनिवर्सिटी का नज़ारा मिलता है। बीकन हाउस नेशनल यूनिवर्सिटी आप देख सकते हैं कि इस मकान के बिल्कुल सामने है। मतलब बहुत ही प्राइम लोकेशन पे ये मकान बनाया गया है। बहुत ही बेहतरीन किस्म की लोकेशन पे ये मकान बनाया गया है। इस मकान को जो भी ख़रीदेगा वो बहुत फ़ायदे में जाने वाला है क्योंकि इस मकान के बिल्कुल साथ ही
BNU यूनिवर्सिटी है जिसका एक बहुत बड़ा नाम है इस पाकिस्तान के अंदर, एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की ये यूनिवर्सिटी है जिसके बिल्कुल साथ ही अलकबीर टाउन फेस वन के अंदर ये मकान कंस्ट्रक्ट किया गया है। इसके बाद अगर इसकी टेरेस की बात करें तो बेहतरीन किस्म का डिज़ाइन इसकी टेरेस में है। आप इसके टेरेस से आप अपने मेन बॉलीवुड का विज़िट कर सकते हैं, आप अपने साइड एलिवेशन का भी विज़िट कर सकते हैं, आप अपनी ओवरऑल पूरी सोसाइटी का विज़िट कर सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ से, इसका साइड एरिया है, इसका मेन बॉलीवुड, इसका फ्रंट एरिया, इसका लेफ्ट एलिवेशन, यहाँ से आपको मुकम्मल एक खूबसूरत किस्म का व्यू मिलता है। आप अगर इसके इस साइड पे देखें तो आप सोसाइटी के बैक साइड पे भी जा सकते हैं। काफ़ी बड़ा टेरेस है, खुला डुला टेरेस है और बहुत ही खूबसूरत किस्म का डिज़ाइन इस टेरेस में किया गया है। जो भी ये घर खरीदेगा व्यूअर्स, वो बहुत फ़ायदे में जाने वाला है क्योंकि इस मकान की जो वैल्यू है बहुत बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है और ये मकान बहुत ही प्राइम लोकेशन पे कंस्ट्रक्ट किया गया है। व्यूअर्स, इस मकान की जो डिमांड है वो है 1,15,00,000 रुपए। अगर इस मकान की बात करें तो 1,15,00,000 रुपए कुछ नहीं है, बहुत ही प्राइम लोकेशन और बहुत ही बेहतरीन किस्म की कंस्ट्रक्शन इसमें की गई है। जो भी अपना पैसा इस मकान में लगाएगा वो बहुत फ़ायदे में जाने वाला है क्योंकि VIP किस्म का ये मकान है। आपको मैंने पूरा विज़िट करवाया, आप देख सकते हैं। तो व्यूअर्स, अब तक के लिए इतना ही। अपना और अपनी फैमिली का बहुत सारा ख्याल रखें क्योंकि हम चाहते हैं आपका कल महफूज हो। अल्लाह हाफिज़।